हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे, बेहतर होगा। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। आज की क्लास हम लोगों की रस की ही है, रस की क्लास को ही कंटिन्यू हम लोग करेंगे। और आज की कक्षा में हम लोग जैसे पिछली कक्षा में रस, रस के भेद, प्रकार, विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव, ये सब संचारी भाव, ये सबको अध्ययन कर चुके थे। श्रृंगार रस की परिभाषा हमने सीख ली थी। श्रृंगार रस के दो भेद हमने पढ़े थे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वैसे आज की क्लास में ही हास्य रस और वीर रस को समझने का प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं हास्य रस और वीर रस क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं रस नौ प्रकार के हैं काव्य के अनुसार, जिसके स्थायी भाव से ही रस को पहचाना जाता है। तो अब हास्य रस की बात करें तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, और इसमें किसी के बातों पर, किसी के क्रियाकलाप पर, किसी के एक्टिविटीज पर, किसी के व्यवहार पर, किसी के चलने फिरने और कार्य करने के ढंग पर हंसी लगती है, उसी को हास्य रस कहते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कवियों ने कार्टून या कह सकते हैं कि व्यंगात्मक चित्रकारिता से इसका वर्णन करने का प्रयास किया है। तो चलिए समझने। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। यहाँ पर इसकी परिभाषा पढ़ने समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, कह रहा है कि किसी की आकृति, वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हास्य में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। ठीक है ना, देखिएगा, उसे हास्य रस कहा जाता है। यही हास जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है। विभाव मतलब जिस कारण से क्या हो कि व्यक्ति को हंसी लगे, जिस परिस्थिति से व्यक्ति को हंसी लगे, वो हो गया हमारा विभाव। विभाव के बाद जो चेष्टाएं व्यक्ति करे वो अनुभाव होता है। और संचारी भाव क्या होता है? संचारी भाव स्थायी भाव को जगाने वाला होता है, उसको संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव जो अस्थायी भाव को जगाता है। ठीक है, तो यही पर कह रहा है कि जब विभाव यानी कि परिस्थितियां, अनुभाव यानी कि चेष्टा, आपने देखा अनुभाव चार होते हैं, कायिक होते हैं, आंगिक होते हैं, सात्विक होते हैं, ठीक है, तो ये सभी ने देखा था आहार्य होते हैं, तो वो अनुभाव होते हैं, पुष्ट हो जाए तो उसे हास्य रस कहते हैं। और आपने देखा हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, ये चीज परीक्षा में आता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, अब देखिएगा उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे। मतलब जब पंक्तियां पढ़ी जाएंगी तो पंक्तियों में हंसी लगेगा, वहां पर हास्य रस होगा। कह रहा है तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। अब इतना पढ़ते ही आपको हंसी लग गई होगी, आई होप। तो देखिए, कह रहा है कि तंबूरा ले मंच पर, यानी कि तंबूरा लेकर के प्रेम प्रताप नाम के व्यक्ति ने जब भी गाना शुरू किया तो साज मिले 15 मिनट। 15 मिनट उन्होंने क्या किया, 15 मिनट उन्होंने मिलाने का कार्य किया कि मैं सुर ले रहा हूँ, आपने देखा होगा सुर लिया जाता है, घंटा भर आलाप। और घंटा भर उन्होंने आलाप किया, आलाप हो गाने से पहले सोता है उसको आलाप कहते हैं। फिर कह रहा है कि घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, यानी कि जब उन्होंने घंटा भर आलाप लिया, 15 मिनट तक सुर लेने का प्रयास किया, और जब उन्होंने गाना शुरू किया तो यहाँ पर देखिएगा कवि क्या कह रहा है, जब उन्होंने गाना शुरू किया तो कह रहा है कि घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, यानी कि जब उन्होंने गाना स्टार्ट किया तो घंटा भर उनको लगे आलाप लेते, और धीरे धीरे खिसक गए सारे श्रोता। और तब तक उन्होंने इतना अच्छा गाया, आप समझ सकते हैं अच्छे का क्या सेंस है, इतना बुरा गाया आप कह सकते हैं, इतना बेकार गाया, बेसुरा गाया, इस सारे श्रोता धीरे धीरे चले गए और वो आलाप और तान में ही उलझे रह गए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कवि ने देखिए हास्य रस की प्रस्तुति की है। यहाँ पंक्तियां पढ़ करके अपने आप स्वयं में हंसी लग जा रही है कि किस प्रकार से प्रेम प्रताप का गीत रहा होगा कि वहां पर मंच से श्रोता ही चले गए। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे उदाहरण है विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाभूमि नारी दुखारे, यानी कौन नारी दुखारी, यहाँ पर श्री राम जी की हंसी हो रही है, श्री राम जी का हंसी उड़ाया जा रहा है। ये पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित हुए हैं, जब वो माता सीता के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो यहाँ पर माता सीता के लिए जब वो भटक रहे हैं तो कई लोग उनकी ये हंसी उड़ा रहे हैं कि पत्नी के लिए ये रो रहा है, बिलख रहा है, क्योंकि जब भी आप देखते हैं तो चित्र
कूट में या वन में तपोव्रतधारी मतलब तपस्वी हमेशा ईश्वर की खोज में इधर उधर भटकते थे, ईश्वर की खोज में ध्यान मग्न रहते थे, ध्यान लगाते थे, ना कि एक नारी के खोज में। तो यहाँ पर भगवान श्री राम की हंसी उड़ाई जा रही है, कह रहे हैं बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी की, बिंद के वासी है, उदास है, तपस्वी रूप धारण कर लिए हैं, लेकिन किससे इनको समस्या क्या है? इनको नारी की समस्या है, मतलब इनकी पत्नी खो गई है। यहाँ पर कवि कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भर लोग यहाँ पर लोग जो है भगवान को ढूंढने निकलते हैं, यहाँ पर महामुनि बिनु नारी दुखारे, यानी कि नारी की समस्या इनको है, नारी को खोजने निकले हैं। गौतम तिये तरी तुलसी सौ कथा सुनिभे मृदु बंद सुखारे, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस बात को सुन करके लोगों को अलग लग रहा है, अजीब लग रहा, हंसी लग रही है शिला सब चंद्रमुखी। और वो क्या कह रहे हैं, सारे पत्थर, सारी शिलाएं, सारी लताएं उनको जो है नारी नजर आ रही है, और वो कह रहे हैं कि मेरी सीता कहाँ है। यहाँ पे कह रहा है शिला सब चंद्रमुखी, यानी कि कह रहे हैं कि सारी मतलब मेरी सीता चंद्रमुखी जैसी है, यहाँ पर ये कहने का प्रयास कर रहे हैं भगवान श्री राम। तो यहाँ पर कह रहा है पद मंजुल कंज तिहारे की, मतलब इधर उधर पद उनके भटक रहे हैं, किन्हीं भली रघुनायक तू करुणा करके कानन पगधारे की, मतलब यहाँ पर रघुनायक अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, अपनी पत्नी सीता माता को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ये कहने का प्रयास, यहाँ पर देखिएगा बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि बिनु नारी दिखारे, पंक्तियों को देख करके हंस आ रहा है। गौतम तिये तरी तुलसी सौ कथा सुनिभे मृदु बंद दिखारे सुखारे, हाय हाय शिला सब चंद्र की परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जूर करुणा करके कानन को पगुधारे, कि जो रघुनायक सबका भला करते हैं वो अपना ही भला नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पंक्तियाँ कहने का प्रयास किया जा रहा है, और भी हास्य रस की पंक्तियाँ देखेंगे। कह रहा है जे दिशी बैठे नारद फूली, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, नारद मुनि की बात की जा रही है। सौ दिश दे न बिलोकी फूली, इसके बाद पुनि पुनि मुनि उपसह्य कुलानी देख दशा हर गन मुस्कान, यहाँ पर नारद मुनि के शादी की एक कथा आती है। तो यहाँ पर नारद मुनि शिवनिध राजा की कन्या से उनको प्रेम हो जाता है, और यहाँ पर ये कथा है कि शिवनिध राजा की कन्या एक बार उनको घमंड हो गया था नारद मुनि को, तो नारद मुनि का घमंड जो है समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु उनको क्या कह सकते हैं आप, रियलाइज कराने के लिए एक ऐसी बात करते हैं जिसमें नारद मुनि के शादी की कथा आती है। तो यहाँ पर वही चीज नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और वहाँ पर जो भी मतलब स्वयंवर हो रहा था तो नारद मुनि भी गए थे, और उनका मुख ऐसा माना जाता है कि बंदर की तरह है, या उनका मुख अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं है, तो उनको लग रहा है कि मुझे ही वरण किया जाएगा स्वयंवर में। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, यहाँ पर जे दिशा बैठे नारद मुनि, मतलब नारद मुनि जहाँ भी बैठे हैं वहाँ पर उस दिशा में कि जिस भी दिशा में वो जा रहे हैं बहुत ज्यादा मुस्कान हो रही है उनको, बहुत ज्यादा हंसी लग रही है उनकी, उनको हास्य हो रहा है। सौ दिशते ही न बिलो की भूली, और वहाँ पर वो अपने आप को भूल गए हैं कि मतलब मैं नारद मुनि हूँ, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ध्यान मग्न होना चाहिए। पुनि पुनि मुनि उपसह्य कुलानी, बार बार मुनि मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, मन ही मन उनको खुश हो रहे हैं उनका। तो यही चीज यहाँ पर बताने का क्या किया जा रहा है, देख दशा हर गन मुस्कानी, और उनका अब उनको वो तो अपने आप ये खुश है कि हाँ मेरा शादी हो रहा है, ये है वो है, लेकिन उनको उनकी वेशभूषा देख करके साधु संत महात्मा राजकुमार जो भी बैठे हैं सभा में वो सभी हंस रहे हैं, जाया जहाँ भी वो जा रहे हैं हंसी लग हो रही है उनकी। देख जे जैसी बैठे नारद फूली, नारद अपने आप में खुश हो रहे हैं उनको देख करके, वो हंस रहे हैं उनके वेशभूषा को। सौ सौ दिशी ते ही न बिलोकी भूली की, मतलब इस प्रकार से उनको देख करके लोग हंस रहे हैं कि लोग भूल गए हैं अपने आप को। पुनि पुनि मुनि गुस्सा ही अकुलानी, बार बार मुनि भी प्रसन्न हो रहे हैं, मुनि को देख करके लोग भी हंस रहे हैं सभा में।
देह की दशा है गल मुस्कानी और उनकी देह दशा उनका व्यवहार सब कुछ देख करके लोग हंस रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हास्य रस की अनुभूति हो रही है। अब देखिएगा वीर रस की बात करते हैं। वीर रस में युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस कहा जाता है और वीर रस का स्थायी व उत्साह होता है। ये चार प्रकार के होते हैं। युद्ध में उत्साह हो तो युद्ध वीर रस, दान करते वक्त उत्साह हो जैसे दान में दानवीर कर्ण कहा जाता है, कर्ण का नाम दानवीर के रूप में लिया जाता है। आप देख पाते होंगे तो महाराजा हर्षवर्धन का नाम 606 ईस्वी से 647 ईस्वी जिनका जो भी कार्यकाल था तो महाराजा हर्षवर्धन को भी कहा जाता है कि वो प्रत्येक वर्ष कुंभ मेले में जाते थे, सब कुछ दान करके चले आते थे। तो यहाँ पर दान में जिसका नाम लिया जाता है वो दानवीर, दान में उत्साह हो। दयावीर मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो दया करने में जिसका नाम लिया जाता हो कि हाँ इतना ज्यादा दया कर दिया। धर्मवीर की बात करें तो धर्म से रिलेटेड आपको पंक्तियां मिलेंगे कि धर्म में इतना ज्यादा उत्साह है। दानवीर में भगवान श्री कृष्ण सुदामा को आप देख लिए, कहा जाता है कि इतना ज्यादा दान किए तो खुद ही गरीब हो गए। तो ऐसे प्रकार से वीर रस की बात होती है। तो युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उसे वीर रस की निष्पत्ति होती है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस के चार प्रकार हैं, युद्ध वीर, दान वीर, दया वीर और धर्मवीर। तो युद्ध वीर, दान वीर, दया वीर और धर्मवीर, इसमें वीर रस के चार प्रकार माने जाते हैं या वीर रस के उदाहरण चार प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो उसको देखिएगा, अगर उदाहरण देखने का प्रयास करें पहले इसको समझेंगे। युद्ध वीर में क्या है, युद्ध स्थल में किसी भी वीर की वीरता का वर्णन होता है, ठीक है। युद्ध स्थल में किसी भी वीर की वीरता का वर्णन होता है, यानी कि जैसे आप देख पाते हैं महाराणा प्रताप कह दिया जाए, या अभिमन्यु की बात करें तो, या अर्जुन की बात करें, पृथ्वीराज चौहान के वीरता की बात करें, राणा प्रताप के वीरता की बात करें, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जब भी युद्ध में वीरता की बात की को कहा जाए तो वहाँ पर युद्ध वीर रस होता है। और यहाँ पर आप देखिएगा दान वीर में दान देते समय अधिक दान देने का किसी के दान का वर्णन किया जाए, मतलब दान वीर उसको नाम दे दिया जाए। जैसे हमने आपको बताया कि कर्ण है, कर्ण को कहा जाता है, हर्षवर्धन को कहा जाता है, और आप देख पाते होंगे भगवान श्री कृष्ण का भी नाम दानवीर के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर देखते हैं सुदामा को, जब उन्होंने मुट्ठी भर चावल के पीछे सारा राजकाज दे दिया था, तीनों लोग दे दिया था, इस बात की भी चर्चा होती है। तो यहाँ पर देखिए दानवीर महाराज भगवान श्री कृष्ण को भी कहा जाता है। दयावीर आप देखिएगा, दया करने पर किसी का भी, किसी की भी दया का वर्णन होता है। तो यहाँ पर दया में जब किसी के ऊपर दया किया जाए, मतलब कि बहुत दयालु हो, किसी को मृत्यु दंड किसी के क्षमा कर दिया जाए या किसी का बड़ा अपराध क्षमा किया जाए, दया कर दिया जाए, तो यहाँ पर दानवीर होता है, दयावीर होता है। धर्मवीर में देखिएगा, जहाँ किसी के धर्म का वर्णन निभाने पर धर्म की बात की जाती है, तो यहाँ पर धर्म की बात की जाए कि वहाँ पर किसी के साथ भी आप कहते हैं बायस गयान, बायस न होकर के धर्म के प्रति किसी की वीरता की बात हो तो यहाँ पर धर्म वीर रस होता है। ऐसे पंक्तियां आपको उदाहरण के रूप में बार बार मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिएगा कैरा वीर रस का उदाहरण क्या है, चढ़ चेतक पर तलवार उठा। किसकी बात हो रही है, चेतक किसके घोड़े का नाम था, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, चढ़ते चेतक पर तलवार उठा, यानी चेतक पर तलवार उठा करके उन्होंने वो बैठ गए। और क्या है, 1576 ईस्वी में आपने ध्यान दिया होगा कि 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और अकबर से, और जिसके वजह से महाराणा प्रताप को घास की रोटी खानी पड़ती है। तो ये देखिएगा आपने राजमुकुट में ये मिलता है। तो कह रहा है कि चल चेतक पर तलवार उठा, चेतक पर उन्होंने तलवार उठा करके बैठ गए, करता था भूतल पानी को, यानी कि चेतक और महाराणा प्रताप इतना तेज रफ्तार में चलते थे कि भूतल पानी को, यानी कि पानी में, नदियों में, समुद्रों में जब भी वो चढ़ते थे नदियों में, तो इतना तेज जो है चेतक का रफ्तार होता था कि चेतक पानी पर दौड़ पड़ता था मानो कि जमीन पर दौड़ रहा हो। तो यहाँ पर देखिएगा महाराणा प्रताप और चेतक की वीरता का वर्णन हो रहा है कि भूतल को, पानी को भी भूतल बना देता था, ठीक है। राणा प्रताप से काट काट कर, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, महाराणा प्रताप की वीरता की बात हो रही है कि युद्ध भूमि में वो अपने दुश्मनों को सिर काट देते थे, मार देते थे, और क्या करते थे,
कर्ता था सफल जमाने को, यानी कि आप देख पाते होंगे मुगल जब भारत में आए तो सबसे पहले अकबर की बात होती है कि अकबर जो है सबसे पहले राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, ऐसा वर्णन मिलता है। तो आपने देखा होगा कि महाराजा भारमल की बेटी जोधाबाई, या कहते हैं कि मतलब जो है जोधा भाई से उनकी शादी हुई थी, तो पहला वैवाहिक संबंध अकबर ने स्थापित किया था। तो अकबर वैवाहिक संबंध स्थापित करता था, उसके पीछे उसकी रणनीति कूटनीति हुआ करती थी कि जब किसी की बेटी और बहन से शादी कर देंगे तो वो क्या करेगा, मेरी हत्या तो नहीं करेगा, क्योंकि राजपूतों में ऐसा होता था कि जो जिसका पांव पूछते थे उसको उसकी हत्या नहीं करते थे। तो अकबर अपने वजह से, अपने साम्राज्य को बचाने की वजह से वैवाहिक संबंध स्थापित करता था। तो यहाँ पर राणा प्रताप को ये मंजूर नहीं था, और राणा प्रताप उस बात को लेकर के हमेशा से जो भी है ये बात मतलब उनको मन में चुभती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में मान सिंह ने, जो कि जोधा भाई के भतीजे थे, और भगवान दास ज्योति जो कि जोधा के भाई थे, दोनों ने साथ दिया था, और सेनापति के रूप में अकबर की तरफ से मान सिंह ने ही लड़ाई की लड़ी थी। अब आप जो है सोच सकते होंगे कि एक भाई दूसरे भाई की कमजोर नस को जानता है, तो राणा प्रताप को तो हारना तो था ही, क्योंकि मान सिंह को सेनापति बना करके अकबर ने भेजा था। तो यहाँ पर वही चीज कह रहा है कि राणा प्रताप सिर काट काट कर, यानी कि राणा प्रताप अपने जो है युद्ध भूमि में अपने दुश्मनों का सिर काट काट कर करता था सफल जमाने को। यहाँ पर क्या कहा जाए कि मतलब युवावस्था में महाराणा प्रताप की युद्ध में लोगों को सिर काट काट कर मार देते थे, और उसकी ये वीरता का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। चरचेतक पर तलवार उठा, करता था मुगल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जमाने को। तो यहाँ पर देखिएगा, इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद यहाँ पर वीर रस का बोध हो रहा है कि मन में आ रहा है कि यहाँ पर वीर रस की कविता हो रही है। अगला उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे। कह रहा है बुंदेले हर बोलो के लिए, सभी विद्यार्थियों ने इसको पढ़ रखा होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं ये। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर महारानी लक्ष्मी बाई की वर्णन हुई है कि बुंदेले हर बोलो के, हमने सुनी कहानी थी, है ना। और क्या खोप लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसे बहुत सारा, नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी, बरसी ढाल के पास कटारी उसकी यही सहेली थी, है ना। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब गड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, तो इस पंक्तियों को पढ़ने के बाद मन में वीर रस का भाव हो रहा है कि हाँ, यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन किया जा रहा है, महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता की बात की जा रही है। इसको देखिएगा, इस तरह से हमने हास्य रस को, वीर रस को, श्रृंगार रस को, जो कि संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, है ना। अब आगे की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे, कौन कौन सी कक्षाएं हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, आप देख पा रहे होंगे, हम लोग पढ़ेंगे शोक रस को, करुण रस को, रौद्र रस को, भक्ति रस को, वात्सल्य रस को, और बच्चों परीक्षा में भी भाव अनुभाव सच्चाई भाव या अस्थाई भाव, रस कितने हैं, कौन सा रस का किसका अस्थाई भाव है, कितने हैं, भरत मुनि की नाट शास्त्र पुस्तक का क्या नाम है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप भी ऐसे नोट करिएगा, नोट करके जो है नोट्स बना करके इसको समझने का प्रयास करिएगा, बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। पीसीएस में आप देख पा रहे होंगे हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं, और टेट सीक्रेट आ ही रहा है ना, टेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो ऐसे करके आपको परिभाषाएं भी पूछते हैं, उदाहरण भी पूछता है, स्थाई भाव भी पूछता है, तो आपको ऐसे ही हिंदी की कक्षाएं नियमित चलती रहेंगी। इसको बहुत अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लास में आपको बार बार मिलती रहे। तो यहाँ पर हास्य रस और वीर रस को हमने अध्ययन किया, वीर रस के चार प्रकार पढ़े। अब अगली क्लास में हम लोग युद्ध वीर, दान वीर, दया वीर, धर्म वीर आदि को अच्छे से उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बच्चों बस इतना ही, थैंक यू सो मच। क्यों? क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे से प्यार दे रहे हैं, अच्छे से क्लासेस समझ रहे हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, अलंकार वगैरह की क्लास भी आपको मिल जाएगी, उसको भी आप अच्छे से नोट करिएगा, पढ़िएगा। और कैसे आपको समझना है तो आपको रस मिलेगा, छंद मिलेगा, अलंकार मिलेगा, सारी क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलेगी। तो
तो अच्छे से बच्चों इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, अच्छे से इसको लर्न करिए, अलग कॉपी में बनाइए और आपको सीरीज भी कराई जाएगी। मतलब जो है जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड प्रश्न भी करवाए जाएंगे। परीक्षाएं नजदीक आ रही है तो आपको पूरे हर चैप्टर का प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।